Halo, halo. तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। तमाम दर्शकों का फिर से तहे दिल से स्वागत और अच्छी क्रिकेट से बात करेंगे। इस मैदान के अंदर हम देख सकते हैं बड़ी अच्छी क्रिकेट खाड़ी के मैदान के ऊपर। आज पांचवा दिन बड़ी प्रतियोगिता और वहां काफी टीम हिस्सा लिए हैं। जो टीम इस भी मैदान के ऊपर आज की उनकी लॉट्स के हिसाब से देखने को मिला, उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर हमारे आयोजनकर्ता उस टीम को हर टीम को यहाँ पर समय के मुताबिक थोड़ा सा फिर बदल करते हुए आगे पीछे करते हुए और बात करेंगे यहाँ पर दूसरे सत्र का। यह पहला मुकाबला और ये देखिए पांच ओवर की मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोले पटेल के बल्ले से निकलता हुआ केजी मुंडे के गेंद के ऊपर चार रन। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार यहाँ पर, कि जो मुंडे जिनकी गेंद के ऊपर हमेशा चौके छक्के लगाना होता है मुश्किल, लेकिन दिलेरी दिखाई है यहाँ पर बल्लेबाज। और देखिए मैं यही बात बता रहा था कि उनकी हर गेंद के ऊपर आप चौके छक्के नहीं डाल सकते हो, बड़े भाग्य के साथ मैं यहाँ पर कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि पावर प्ले के दौरान अगर आप यहाँ पर कैच नहीं लेते तो दिक्कत बनती है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ टेनिस क्रिकेट में आप हमेशा हम देखते हैं फर्स्ट स्लिप शॉर्ट लेग ये नज़दीकी नज़दीकी रखते हो, एक एक स्लिप मिडन और कवर रखना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी बड़ी टीम देखिए जब मुंबई से टीम आती है जैसे माहौल टीम अंजू टीम देखिए वो हमेशा शॉर्ट कवर एक स्लिप मिडन तैनात रखते हैं हमेशा। और यहाँ पर पावर प्ले के दौरान बबलू पाटिल जिन्हें यहाँ पर जीवनदान मिला और उनका साथ निभाने के लिए शंकर ऑन द स्ट्राइक के मुंडे फिर से एक बार तैयार। और ये देखिए डायरेक्ट गेंद शायद ऐसा लगा कि बल्ले का कोई बाहरी हिस्सा लिया और शायद बिल्कुल बल्ले का हिस्सा लिया, इसलिए तो अंपायर भी खामोश मैदान के ऊपर बिल्कुल इशारा भी कर दिए। देखिए मुझे भी लगा यहाँ पर बल्ले से लिया और उसके बाद उनके शरीर से गेंद लगा क्या पानी की मांग। चलिए ज़्यादा तकलीफ है तो फिर आ जाइए डगआउट पर, ऐसी कोई बात नहीं क्रिकेट में होता रहता है। और केजू मुंडे की बात करेंगे रफ्तार की गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज फिट हैं, थोड़ा सा गेंद की गति है ना केजू मुंडे के काफ़ी तेज और बल्लेबाज के करीब जा पहुँचे थे, उन्होंने समझते हैं क्रिकेट की भावनाओं को और फिट हैं बल्लेबाज। क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट में होता रहता है इस तरह की चीज़ें। तो सभी दर्शकों का फिर से तहे दिल से स्वागत और जितने भी दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबला को देख रहे हैं ना उनकी भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट आज जिंदा है तो वो दर्शक आज जो मानने पर हमारी समझ के ऊपर तशरीफ रखे हैं। और उसके साथ साथ जितने मैं हमारे आयोजन करता हूँ देखिए जगदीश जी लीजिए, सिन्हा जी, विशाल जी, संदेश जी, अजय जी, मैंने जिक्र किया यहाँ पर एक लंबी लाइनअप आयोजन करता हूँ की। और ये देखिए उछाल से बीत करते हुए बल्लेबाज को बबलू पाटिल से एक बड़े बल्लेबाज और उनके सामने देखिए बड़े गेंदबाज है। कहते हैं ना जैसे फूल से दोस्ती करो तो कांटों से खतरा, शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, तो डॉट गेंद से दोस्ती करो तो आपके साथ साथ आपकी टीम को भी बनेगी खतरा, क्योंकि आप जितनी डॉट गेंद खेलोगे ना पाँच ओवर की मुकाबला है 30 गेंद का मुकाबला है, लेकिन एक एक गेंद की कीमत आपको चुकानी होगी। जब स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर टोटल 50 के अंदर रुकी तो फिर देखिए बाहर की तरफ गेंद टप्पा खाने के बाद अंपायर यहाँ पर देखिए अपने दोनों हाथ फैलाते हुए व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ, अच्छी रन बिटवीन डेट्स दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिला पिछली गेंद के ऊपर जहाँ हवा में कैच थी। टोटल देखिए अभी भी 8 रनों के ऊपर WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट्स लाइव यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं। राहुल उल्लेकर जी काफ़ी दिनों की उनकी मेहनत है, सुरेश भुईर जी, उनकी पूरी टीम है, चैतन्य जी, अजय जी यहाँ पर उनका भी तहे दिल से स्वागत, उसके साथ साथ डीजे अभी। और ये देखिए गेंद को रूम बनाकर खेले मिड ऑफ के ऊपर से और वाइडिश लॉन्ग ऑफ तैनात था, जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए, लेकिन इस 2 रनों से यहाँ पर बल्लेबाज भी खुश हैं
और गेंदबाजी करने वाली टीम आगासिन टीम भी खुश है। तो केजी मुंडे के ओवर की समाप्ति एक अच्छी ओवर, क्योंकि इस ओवर पे ना हमेशा बल्लेबाज को डर रहता है क्योंकि उछाल भरी गेंद उनकी रहती है, उसके साथ आउटस्विंग इनस्विंग रहती है, दिक्कत बनाती है और थोड़ा सा उन्हें भी परेशानी आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेलने के बावजूद खिलाड़ी थकान महसूस करते हैं। जैसे हम आकलन के केतन मात्रे को देखे थे, कुछ टूर्नामेंट से दूर थे, उसके बाद उनकी टीम को कहीं मुकाबला हारनी पड़ी और उसके बाद कमाल की वापसी और आड़वली के मैदान के ऊपर एक कमाल के अर्धशतक के इनिंग्स खेल दिए। तो पहले ओवर की खेल समाप्त, तो देखिए टोटल की बात करेंगे ना, टोटल यहाँ पर 10 रन, अगर इसी औसत से रन बनता है ना तो टोटल जाएगा 50 तक, लेकिन औसत बदलने में ये टेनिस क्रिकेट को ना बल्लेबाज को ज़्यादा समय वक्त नहीं लगता है, लेकिन जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान के ऊपर हो। देखिए अगर आप कोई भी बड़े लक्ष्य की तरफ जाना चाहोगे ना, मैं एक आपको याद दिला देता हूँ, हिंदुस्तान टीम देखिए जब भी टेस्ट मुकाबले में बात कर रहे थे 400 के करीब जाते, तब उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, विराट कोहली हो या बतौर सलामी बल्लेबाज, ये कोई बल्लेबाज लंबी इनिंग्स खेलते हैं ना, तब टेस्ट मुकाबले में आप 400 तक पहुंच सकते हो और वनडे मुकाबले में बात करेंगे ना 300 के आंकड़े छू सकते हो। अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं ना, फिर निचले क्रम के बल्लेबाज ऐसा नहीं, वो तो बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन एक बड़ी लक्ष्य की तरफ आपको नहीं पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि बगैर लुस्कान से जब 10 रन, क्योंकि पावर प्ले में हमेशा हम कहते हैं ना जिससे कितना अंधेरे में रास्ता बदलना मुश्किल होता है, तो उसी तरह के पावर प्ले में बल्लेबाज को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन अभी तक बल्लेबाज को रोके हैं, मुझे लगता है इस ओवर के ऊपर कुछ ना कुछ घटेगा या गेंदबाज को सफलता मिलेगा या गेंदबाज के ऊपर काफी प्रहार देखने को मिलेगा। शंकर अपने इरादा बदले, देखिए यहाँ पर फील्डर से कुछ गलती और छोटी छोटी गलती है ना आपको कभी कभी बड़ी तकलीफें पहुंचा देती है, और देखिए जहाँ पर 2 रन बनने चाहिए थे यहाँ पर 3 रन, तो ये जो एक एक्स्ट्रा रन ना ये आपके लिए यही एक्स्ट्रा रन मुश्किल बनेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ एक टीम अगर खराब फील्डिंग करती है ना दूसरी टीम को फायदा होती है। देखिए कोई फील्डर कैच छोड़ता है ना दूसरी टीम वाले ताली मारते हैं, क्योंकि खराब फील्डिंग के ऊपर कोई ताली नहीं मारता है क्योंकि उनकी टीम को फायदा होती है अपोजिट टीम को। तो इसलिए क्रिकेट ही दोस्तों जिसमें दूसरी की अगर खराब फील्डिंग तो और किसी की वहाँ पर फायदा होती हुई, इसलिए तो मैं कहता हूँ क्रिकेट में कभी भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना खुद को जो राजा कहते थे वो भी फकीर बन गए और जो फुटपाथ पर रहते थे वो भी अमीर बन गए। तो आज जिस तरह की टेनिस क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी देखिए ढेर है, और ये देखिए कितनी आसान से, ये भाई बबलू पाटिल की टाइमिंग थी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती, ये इतनी बड़ी गलती आपने की है ना, जब बबलू पाटिल आगे जाकर आपको लंबी इनिंग्स खेलेंगे ना, और देखिए शायद फील्डर बता रहे हैं भाई 6 रन के लिए गेंद हो चुका था और मुश्किल बना यहाँ पर 6 रन आता हुआ। क्या बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिल्टर कुछ इशारा करते हुए कि हमारी कहीं ना कहीं पैर की हिस्सा तो चलिए अभी भी शायद वो पेंडिंग रहेगी डिसीजन, मेरे हिसाब से 6 रन तो अंपायर ने दिया है, लेकिन फील्डर ने कुछ बता रहे हैं कि हमारी गेंद हम रोकने के बाद सीमा रेखा के बाहर पहुंचे, लेकिन जो वहां दर्शक है ना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, स्क्रीन थी आगे, लेकिन फिर भी वहां के जो दर्शकों के पास से निर्णय आएगी ना वही मेरे हिसाब से अंपायर वही निर्णय के ऊपर चलेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों तो हमेशा एस नो करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार मैं इसलिए टेनिस क्रिकेट में दर्शकों को ऊंचा दर्जा क्यों देता हूँ। चलो देखते हैं, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट की बात करेंगे, एक कैमरा है, इतना आसान नहीं होगा, अगर फिर भी अगर आसान दिखता होगा तो फिर यहाँ से भी कुछ सहायता दे सकते हैं हम, लेकिन क्या इतना आसान होगा, मैं वही बताया कि एक ही कैमरा है यहाँ से और इतनी दूर से इतना आसान नहीं रहता है, गेंद के साथ जाते हैं जो लाइन है ना वो लाइन हमें भी यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है, अगर वो पट्टियाँ अगर रहती ना तो वहाँ से हम समझ सकते थे, लेकिन व्हाइट पट्टी व्हाइट कपड़े के आगे सीमा रेखा की लाइन है। तो चलिए आयोजन करताओं से भी गुजारिश करता हूँ आप भी थोड़ी वहाँ से सलाह मशवरा ले लीजिए, और अंपायर का इशारा आ गया आखिरकार 6 रन, तो चलिए भाई अंपायर के इशारा 6 रन,
चलिए तो अंपायर यहाँ पर डिसीजन दीजिए, अगर किसी दर्शक ने देखा है तो बिल्कुल चाहिए रहना अंपायर के डिसीजन। चलिए केजू मुंडे आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छी टीम हो, इस तरह के डिसीजन भी इतना आसान नहीं रहता है, किसी एक को मानना पड़ता है। अगर फील्डर के हाथों पे गेंद रह जाती ना, फिर फील्डर वहीं खड़े रहते और उन्होंने दिखा देते कि गेंद अंदर गया। एक दिक्कत की बात क्या बनी, उनके हाथों से गेंद निकली तो वो गेंद उसके बाद कहाँ बाउंस लिया, दूर था और स्क्रीन था वहां पर, दर्शकों के लिए भी मुश्किल बना वहां पर। चलिए फिर भी हॉलैंडर को हर तरफ रहना होगा, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत आयोजन बनाई है। जिस आयोजन को मैं बात करूंगा ना, अगर पिछले दो साल अगर पीछे जाकर देखो तो इस तरह के आयोजन हमें तीन दिन पांच दिन के आयोजन देखने को मिलता था, लेकिन आज देखिए ये टेनिस क्रिकेटर शायद गोल्ड मंडप के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ये दो दिन का आयोजन है लाजवाब, इससे बेहतर आपको क्या दे सकते हैं। देखिए तीन चार मंडप मैदान की हर तरफ दर्शकों के लिए, क्योंकि फुल मंडप भी लगाने के बावजूद भी दर्शकों की तादाद कम रहती है आजकल हम देखते हैं काफ़ी क्रिकेट, जिस क्रिकेट क्रिकेट से परेशान, और उसके साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक भी मुकाबला को देखते होंगे। और यहाँ से देखिए हमेशा जब 50-50 की डिसीजन आती है ना, बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। और ये देखिए भाई बबलू पाटिल के बल्ले से निकला AK-47 6 रन। बबलू पाटिल ने बता दिया, आप पिछले छक्के के ऊपर तो कंफ्यूज थे, लेकिन इस बार आपको कंफ्यूज नहीं दूंगा। और फोरी यहां पर सीधा साधा बड़ी छक्का, और ये देखिए गेंद को ग्लास किया यहां पर डीप मिड विकेट्स, कोई तैनात नहीं, मैदान खाली और एक बेमिसाल चौका। और ये देखिए परेशानी तो यहाँ से बन जाएगी कहीं ना कहीं, बबलू पाटिल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया सीधा 29 रन। और आगासन टीम शायद यहाँ से थोड़ी दबाव महसूस करेंगे, क्रिकेट है दोस्तों। चलिए विनोद पाटिल जी आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे कॉमेंटेटर विनोद पाटिल सर आइए सिद्धार्थ पाटिल जी आपको याद करते हुए। और ये देखिए भाई मैदान में थोड़ी सी हरकत, आउटफील्ड थोड़ी खराब और उसके साथ साथ फील्डर को किया बीट 4 रन। क्या बात है, हमारे डीजे मास्टर भी मूड पर आ चुके हैं, दोपहर का सत्र हो चुका है, लेकिन बबलू पाटिल को क्या रोक पाएंगे यहां से गेंदबाज, बड़ी सवाल उठती होगी सभी। देखिए सीधा बल्ले, कभी आड़े बल्ले और गेंद को उठाया हवा में गेंद, लेकिन इस बार कहते ना चिड़िया चुप गई खेत में। अब बात है आगे 10 से पीछे 12, लेकिन हम बुलाना चाहेंगे सचिन कड़ू जी आइए, सचिन कड़ू जी आइए, बिल्कुल आपसे गुजारिश करते हैं हमारे आयोजन करता हूँ आपसे याद करते हुए एक अच्छी अंपायरिंग की भूमिका। सुरेश पाटिल खुतर पड़ा से देखिए इस मुकाबला की आनंद लेते हुए, लेकिन 9 गेंद के ऊपर 27 रनों की इनिंग्स, इसलिए बबलू पाटिल के लिए लगी एक ताली डगआउट की तरफ से। और यहाँ पर आगासन टीम कहूँगा कुछ समय के लिए राहत के साथ लिए होंगे, लेकिन देखिए रविंद्र संते कहते ना, रविंद्र संते वो नहीं जो जान देता है, रविंद्र संते वो नहीं जो मुस्कान देता है, और रविंद्र संते के एक ऐसा कोहिनूर है जो टेनिस क्रिकेट के साथ हिंदुस्तान का भी किस्मत बदल देता है। क्या कमाल के क्रिकेटर्स हैं, देखिए उनके एक हाथ में एक बाजू में इतनी भी ताकत है, किसी भी गेंदबाजों को पसीना छुड़ा देते हैं, और वो बल्लेबाज मैदान के ऊपर, और देखिए सबसे ताकतवर गेंदबाज के जो मुंडे देखते हैं अभी नहीं रफ्तार से यहाँ पर चाहेंगे, शंकर अभी तक मैदान के ऊपर हैं। चलिए आशीष, चलिए यहाँ पर अंपायर कुछ इशारा करते हुए,
चलिए मैदान के हर तरफ रहिए हॉलैंडर, क्योंकि दिक्कत ना पड़े अंपायर के लिए एक एक फैसले देने के लिए। कीजिए मुंडे फिर से एक बार तैयार से, उछाल भरी गेंदबाज करते हैं, ये ओवर बड़ी संघर्षपूर्ण ओवर होगा। और ये देखिए भाई उछाल से बीट करते हुए, ये जो मुंडे बता रहे हैं भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मेरे गेंद को चौके छक्के लगाने से पहले मेरे बायोडाटा देख लेना, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बल्लेबाज की पसीना छुटा देते हैं। लेकिन शंकर चाहेंगे यहाँ पर दिखाने की कोशिश, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं कि बड़े गेंदबाज है तो उन्हें भी सम्मान दीजिए, सिंगल डबल चुराइए, जब मौका मिलेगा तभी चौका छक्के लगाइए। लेकिन अच्छी गेंद के ऊपर अगर आप कोशिश करोगे तो बड़े हिट खेलने के लिए दिक्कत बनेगा थोड़ा। अच्छी सोच, मैं यही बात कर रहा था, अगर अच्छे गेंदबाज के जो मांडे है ना तो केजू मुंडे को वही सम्मान दीजिए आप। बड़े बल्लेबाज की पहचान यही होती है बड़े खिलाड़ियों को। लेकिन रविंद्र संते देखते हैं, ये मजेदार होगा उनके सामने गेंदबाजी करना, अनुभव है और एक तरफ केजू मुंडे की काबिलियत है। जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं मजा आ जाता है उनकी गेंदबाजी देखने के लिए। डेल स्टेन की याद दिला देते हैं रफ्तार के साथ बाउंस। और बात करेंगे जो ज्यादा वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए नहीं दे पाए, सॉन्टेड उसी तरह की गेंदबाजी, तेज रफ्तार उछाल लेती हुई। देखते हैं यहाँ पर रविंद्र संते अभी भी उनके बाजुओं में इतनी दम है, अच्छी अच्छी गेंदबाज को पसीना छुड़ा देते हैं। और ये देखिए भाई लेग बिफर की अपील कर रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा देखिए बल्ले का कुछ बाहरी हिस्सा लिया। केजू मुंडे देखिए कितने एग्रेसिव हो चुके थे, आउट 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 से उनकी आवाज ऐसी आ रही थी। और क्योंकि गेंदबाज जब गेंदबाजी भी करते हैं ना और जब कंधों का इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जहां से उनकी निगाह पूरी तरह से गेंद के ऊपर नहीं रहती है और वो जो दिशाएं जिस दिशा से गेंदबाजी करते हैं ना वहां से समझ सकते हैं कि गेंद विकेट की लाइन पर थी, लेकिन बल्ले का बाहर हिस्सा लिया था। अच्छी समझ बूझ के अंपायरिंग तारीफ करना चाहूंगा। शंकर देखिए यहाँ पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन अभी तक नाकामयाब होते हुए। और ओवर की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए चार गेंदें हो चुकी हैं जिसमें तीन रन आ चुकी हैं और टोटल देखिए जाकर 36 रन। जो रनों में यहाँ पर गति बढ़ी थी पिछले ओवर पर 23 रन खर्च किए थे गेंदबाज नागराज, जिन्हें यहाँ पर काफी रनों की बरसात की थी। लेकिन केजू मुंडे की देखिए दूसरे ओवर की स्पेल, जैसे हम इनामपुरी के लिए देखते हैं अंगद पाटिल जिनकी दो ओवर की स्पेल बड़ी खतरनाक साबित होती है उसारने की अमर हिलाहल सा, तो इस तरह के गेंदबाज जब होते हैं ना बल्लेबाज के लिए परेशानी रहती है। और देखिए भाई रविंद्र संते कितने आसान से खेले यहाँ पर, क्रिकेट की नजाकत देखिए यहाँ पर, कितने गेंद जिस दिशा से आए ना उस दिशा पर खेलने की कोशिश की। अगर ये बल्लेबाज के पास इस तरह की काबिलियत होना फिर वो अच्छे से अच्छे गेंदबाज के लिए परेशानी बना सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं समझ बुझ के क्रिकेट, यहाँ पर मैं कहूंगा ऐसा जरूरत नहीं कि क्रिकेट में आपको हर गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाना है, क्योंकि इसके में मरने वाले आज भी जिंदा रह गए और क्रिकेट में सिंगल डबल चुराने वाले आज भी राहुल द्रविड़ कहलाते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने 10,000 रन बनाए ऐसे नहीं कि चौके छक्के से, कहीं सारे सिंगल डबल। और ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव गेंद को खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर तैनात, जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ अपनी छोड़ बदलते हुए यानी चोरी चोरी चुपके चुपके एक रन चुराते हुए और ओवर की समाप्ति और तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल बात करेंगे 38 38 रन एक विकेट आउट होने के बाद मैदान के अंदर ड्रिंक्स और हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास। लेकिन अभी जो ये 12 गेंद बचा हुआ है ना सबके दिलों के अंदर ये सोच में आ रही होगी
कि रविंद्र संत इस 12 गेंद के पर क्या असर करेंगे, लेकिन जिस आगासन टीम ने यहाँ पर तीसरे ओवर में वापसी की, क्या उस वापसी को बरकरार रख पाएगी? देखिए आज के दिन की बात करेंगे, ये दूसरे दौर की पहली मुकाबला, यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगा आज के दिन का सेमीफाइनल मुकाबला के लिए इंतजार करना होगा। ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल के जैसे है, यहाँ से जो टीम जीतेगा आज के आखिरी मुकाबले के लिए इंतजार। शंकर यहाँ पर बल्ले की फेस खोले, यहाँ पर स्ट्राइक ऊपर सीमा रेखा पर तैनात, जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक यहाँ पर पहला रन, और देखते देखते यहाँ पर दूसरे रनों के लिए यहाँ पर पीछे रह गए, शंकर का विकेट गिरता हुआ। और देखिए यहाँ पर डीजे मास्टर ने यहाँ पर रईस का संगीत सुना दिया, और रईस में जो एक डायलॉग था, हम क्या थोड़ा शरीफ हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, शाहरुख का डायलॉग था, तो उसी तरह की यहाँ पर आगासन टीम बता रहे हैं, हम क्या थोड़ी वक्त यहाँ पर पीछे रह गए। तो कोलेगांव टीम काफी आगे निकल गई, लेकिन कोलेगांव टीम के लिए ये मुश्किल बनेगा यहाँ से, क्योंकि अभी भी 11 गेंद बचा हुआ है। लेकिन कह देना दोस्तों, कोशिश जिंदगी का हर रास्ता बदल देती है, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे तो फिर ये जो रास्ता है ना आसान बन जाएगी। क्योंकि आज राहुल उलवेकर देखिए, जिनकी कोशिश टेनिस क्रिकेट में सबसे पहले था, और उन्होंने वो कोशिश को अभी तक उम्मीद नहीं छोड़े, आज इस मुकाम तक है। WTC सबसे मैंने देखा ये वेबसाइट है, अगर टेनिस क्रिकेट लाइव की बात करेंगे, सेकेंड जो दूसरा मैं कहूंगा इस टेनिस क्रिकेट में WTC देखने को मिला, और कुछ दिन बीच में गैप रहा, उसके बाद एक कमाल की वापसी कहूंगा, और ये वापसी उनके लिए बड़ी एक चुनौती, क्योंकि आजकल ये टेनिस क्रिकेट में काफी लाइव आ चुका है, GT से लीजिए, DCW लीजिए, PT से लीजिए, फॉर्च्यून से लीजिए, प्राप्ति लीजिए, ऐसे कितने सारे वेबसाइट हैं, और उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। और टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 41 रन, और यहाँ से बल्लेबाज को अपनी सोच इरादा सब कुछ बदलनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ से ज्यादा वक्त लेते हैं ना, फिर जो आगासन टीम ने यहाँ पर शिकंजा कसा हुआ है ना, इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लेंगे, और जब किसी टीम भी 50 रनों के अंदर रोकने में कामयाब हो जाते हैं ना किसी भी टीम को, तो बड़े खुश होते हैं टॉस जीतने के बाद। और देखिए उठाकर गेंद को खेला गया हवा में, गेंद फील्डर है गेंद के नीचे, और एक आसान से कैच, रविंद्र संत अभी भी मैदान के अंदर, लेकिन साथी बल्लेबाज का साथ नहीं। और आउट हुआ बल्लेबाज को आप वापस नहीं मैदान के ऊपर उतार सकते हैं, तो अभी जो बल्लेबाज बचे हुए हैं ना, तो उन्हें ये काम करनी होगी। तो खास करके मैं कहूंगा ये रविंद्र संत जिन्हें एक अच्छी भूमिका निभानी होगी, यहाँ से एक फिनिशर भूमिका निभानी होगी, और मुश्किल है उनके लिए राहत, लेकिन ऐसे कहीं कठिन मुश्किल हालत से वो निकल कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आज भी उनके नाम अदब इज्जत से ली जाती है। एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़ी पहचान। और ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद रहा लेकिन दोनों फील्डरों के बीच में, और ये देखिए फुटबॉल के जैसे गेंद उड़ी, लेकिन मिड विकेट के फील्डर ने गेंद रोका। और देखिए जो YouTube के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे ना, कि बल्लेबाज ने गेंद खेला कहाँ और गेंद पहुंचा कहाँ, क्योंकि ये एफर्ट बड़ी अच्छी थी, तारीफ करना चाहूंगा, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और केजू मुंडे अगर वो चाहते तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उनके काफी करीब था गेंद, दो रनों के साथ देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ यहाँ से 43-43 रन। और अभी तक बल्लेबाज को रूम नहीं दे पा रहे, उनके पाले पर गेंद नहीं आ रही है, जब उनके पाले पे गेंद आएगी ना फिर आउट ऑफ पार्क। और ये देखिए अच्छी गेंद, चेंज अप ऑफ द पेस, गति से बीट, और रविंद्र संत जैसे बल्लेबाज को डॉट गेंद खिलाना ना मेरे हिसाब से मिट्टी से घी निकालने वाली बात है, और तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज की। कुणाल नायक हम रायगढ़ के देखते हैं, बिल्कुल सिद्धि विनायक भिंगारी के बेहतर खिलाड़ी, गेंदबाजी बल्ले से कमाल के प्रदर्शन देते हैं, और उसी तरह की आगासन टीम की तरफ से देखिए यहाँ पर कुणाल और रविंद्र संत जैसे खिलाड़ी आपके सामने, और उस बल्लेबाज को आप बांध कर रखना इतना आसान काम नहीं है।
और ये देखिए भाई, मैं हमेशा कहता हूँ ना, टॉड गेन एक कैंसर की बीमारी के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा, और इस तरह की क्या छोड़ना ना, ये राहुल जी मुश्किल बनेगा कहीं ना कहीं। कहते हैं ना जैसे उभर की समाप्ति, और आपने जीवनदान कौन से बल्लेबाज को दे दिया, रविंद्र संते। और कहते हैं ना जैसे लैला की शादी में लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, कहीं आपकी ये गलती या जो लगातार दो कैच का मौका देना, कहीं आपको इस मुकाबला में और मुश्किल ना बना देना, क्योंकि ये रविंद्र संत अगर आखिरी ओवर बेहतर खेल लेते तो फिर आप सोचोगे काश हम वो मौका ना खोते, काश, फिर सोचते रह जाओगे काश हम वो मौका ना खोते। 7 रन, एक अच्छी गेंदबाजी। तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज कुणाल की, जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम, अगर इसी तरह की गेंदबाज ने आज टेनिस क्रिकेट को जिंदा रखे हैं। अगर कहते ना हमेशा बल्लेबाजी का बोलबाला क्रिकेट में माना जाता है, लेकिन आजकल गेंदबाजों ने भी बता दिए हैं भाई हमारे अंदर भी है 10 का दम। चलिए इसके बाद मैच नवापड़ा हिडुडने के बीच में होगा मुकाबला। देखिए हम सुबह सुबह बता रहे थे, शायद यकीन नहीं होगा वो इंसान को कि हम उनका नाम सुबह ले रहे थे, कैलाश पुरजे जी। अब सचिन कड़ू से पूछ लीजिए, हम कहते थे भाई वो जोड़ी साइमन टफल विली विडन की जोड़ी जब भी मैदान के ऊपर होते हैं सुबह के समय याद किए, और देखिए वो इंसान आ गए। आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए, क्योंकि सचिन कड़ू जब सामने आएंगे हम कैलाश पुरजे जी को याद करेंगे, और कैलाश पुरजे जब आएंगे हम सचिन कड़ू को याद करेंगे। यहाँ पर देखिए वही वो वेड़ेकर गेंदबाजी के लिए, लेकिन बल्लेबाजों ने विकेट के ऊपर देखिए रन तो यहाँ पर सिंगल डबल से चुरा रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। सिंगल डबल सबसे बड़ा क्रिकेट में अहमियत रखता है, क्योंकि चौके छक्के तो आजकल 11 नंबर के बल्लेबाज भी लगा लेते हैं, लेकिन सिंगल डबल, क्योंकि जब गेंदबाजी अच्छी होती है ना तब वो सहारा लेना पड़ता है। देखिए बल्ला की मांग की गई है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में जब गेंद आखिरी ओवर तक आ जाती है ना, अंतिम ओवर तक आ जाती है, तब एक ऐसे बल्ले की मांग होती है ना जिस बल्ले से गेंद लगने के साथ छक्का नहीं, ऐसा बल्लेबाज को लगे कि बाहर लगी। सिद्धार्थ पाटिल सबके साथ देखिए बातचीत करते हुए, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। और देखिए हमारे बात कर रहा था कि नारायण के मैदान के ऊपर कैलाश पाटिल जी, देखिए वो भी इस मुकाबला को ले रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं, और उनके बारे में मैंने जिक्र कर रहा था सुबह के समय जब काकड़वाल टीम यहाँ पर मुकाबला खेल रही थी। काकड़वाल टीम जब इस मैदान के ऊपर मुकाबला खेल रही थी, कैलाश पाटिल जी का मैंने याद किया, क्योंकि काकड़वाल टीम ने वहां पर कैलाश पाटिल जी के टूर्नामेंट नारायण के मैदान के ऊपर खिताब जीती थी, लेकिन आज उस टीम के दिन नहीं। इतना दिन वक्त भी आपके साथ होने चाहिए, लेकिन आज आगासन टीम बड़ी बेहतर काम कर रही है, जिसे कहते ना आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं, और यहाँ पर कोलेगांव टीम के बल्लेबाज को रोक कर रनों में कुछ अंकुश लगा दूं। अभी तक रनों में अंकुश लगाई है, टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है 48। किशन गुरपेकर जी नारुली, उनसे गुजारिश करते हैं, आइए उनके साथ साथ कैलाश पुरजे जी आपसे भी गुजारिश है, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए, क्योंकि मेहमानों के लिए ये मंडप सजाई जाती है। और रविंद्र शेंते ने यहाँ पर जोखिम उठाया, हवा में गेंद, इस बार मौका, लेकिन इस बार मौका नहीं गवाए, बड़ा विकेट, और आगासन टीम एक मजबूत स्थिति में। क्रिकेट है और क्रिकेट बॉलीवुड में काफी फर्क है, एक है वो हीरो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, रविंद्र संत की बात करेंगे ना वो एक बड़े एक सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको क्रिकेट में ना हमेशा हिट देना मुश्किल है, क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं, कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपर हिट, टाइगर जिंदा है सुपर हिट, टाइगर मुर्दा है भी है सुपर हिट। तो यहां पर ये क्रिकेट है दोस्तों, हर मुकाबला पर हिट पे हिट नहीं दे सकते हो, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, थोड़ा सा बस। और ये देखिए भाई कमाल की टाइमिंग, AK-47 का इस्तेमाल, 6 रन। क्या बात है,
डीजे मास्टर मोड पर आ चुके हैं, लेकिन बल्लेबाज देखिए सौरभ ने बता दिया भाई तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, 6 रनों के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंच गया 54 एक अच्छे लक्ष्य की तरफ। लेकिन अभी भी ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ से दो गेंद से ये दो गेंद के पर सौरभ, और यहाँ पर देखिए फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। मैं यही बात बताया कि क्रिकेट में आप हिट पे हिट नहीं दे सकते हो हर गेंद के पर, बॉलीवुड में आप सुपर हिट पे सुपर हिट दे सकते हो। लेकिन ओवर की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ से अंतिम गेंद चाहेंगे, यहाँ से कोलेगांव टीम चाहेगा कम से कम 60 तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए अंतिम गेंद के पर एक छक्का लगता है तो फिर 60 तक पहुंचेंगे। यानी कुंडी मत खटखटाना सरनाटा है जमाना, कुंडी मत खटखटाना सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट छक्का लगाना, फिर टीम का टोटल 60 रन, यानी मुकाबला में आ जाएगा मजा। और ये देखिए भाई कुंडी खटखटाना यानी दरवाजा देखिए बड़ी मजबूत थी, वहां पर मजबूती लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर फील्डर थे और एक समय लगा कि गेंद आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैच और इसके साथ 54 रनों के अंदर इनिंग की समाप्ति, एक 55 रनों की बड़े लक्ष्य है। टाइगर अभी आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि दोपहर की खाना इस तरह की संगीत सुनना और काफी तो यहाँ पर दर्शकों को मजा आती होगी, उसके साथ साथ कई दर्शक YouTube के माध्यम से जो देख रहे होंगे ना उन्हें भी काफी आनंद मिलता होगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे विनोद जी 55 रनों का लक्ष्य है और एक फाइट टोटल माना जाता है, लेकिन क्रिकेट में कह देना जैसे दिल का दरिया समंदर भी होता है तो उसी तरह क्रिकेट में हमने देखी है कहीं मरतबा जीत के करीब भी जाकर हार होती है, तो यहाँ पर हार जीत किसकी होगी, अगले मैच के लिए बुलाना चाहेंगे यहाँ पर नवा पड़ा हिट उठने टीम के कप्तान को और 55 रनों के लक्ष्य हैं। और विनोद जी कहते हैं ना कागज के फूलों से घर को सजाया नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते, तो अगला मुकाबला शुरू करने के लिए दोनों टीम के कप्तान आनी होगी और हम ज्यादा यहाँ पर वक्त नहीं लेंगे, चलेंगे एक मीठी आवाज जो आवाज की जादूगर हमेशा हम थाने यानी बात करेंगे थाने डंबोली कल्याण पर देखा करते थे, लेकिन जब भी रायगढ़ पर आते हैं जिनकी आवाज से सभी दर्शकों के दिल लुभाते हैं फिर से काफी जल्दी स्वर्गीय रतन हुआ ट्रॉफी पर देखने को मिलेंगे विनोद पाटिल सर, एक बार चलते हैं फिर से इस मुकाबला की तरफ। शुक्रिया बाबूशा, तो उपस्थित तमाम लाड़के कड़सिकांच क्रिकेट चा या रोमांचकारी अद्भुत आणि थरार खेळा मध्ये पुनश्च हार्दिक असं सहर्ष स्वागत आहे। तर चेंडू याठिकण घ्यायचा आहे, तर स्पर्धा आपण पाहताय जय गावदेवी क्रिकेट संघ खुर्द आयोजित स्वर्गीय अमित पाटील स्मृती चषक 2018 वर्ष पाचव्या वर्षामध्ये स्पर्धा पदार्पण करते। आज अमित आपल्यामध्ये नाही आहे, त्याच्या आठवणींना उजाळा देण्याचं काम सलग 5 वर्ष या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे। अतिशय देखणं नीट नेटकं सुबक सुंदर विलोभनीय लक्षवेधी आकर्षक शिस्तबद्ध पारदर्शक असं आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते। त्या दरम्यान कैलासपूरजी धनसर यांचं शुभागमन झालंय, सचिन कडू रोहिजनचे ज्यांना आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहिलं आणि किसन गोरपेकर नारुलीचे या ठिकाणी नक्कीच त्यांचं देखील आगमन झाले। जाऊया मैदानी दिशेने 55 धावा इथे मात्र हा चेंडू हलक्यातून ड्राईव्ह करतायत गॅपमध्ये कवरच्या दिशेने चेंडू जातोय। रवींद्र संत त्या ठिकाणी आहेत, सलामीची जोडी मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळते। यावेळेस मात्र निल्सन आणि करणची ही जोडी
खूप चांगली फलंदाजी मागच्या सामन्यात केली होती आणि आता मात्र तशीच अपेक्षा संघ नायकाला त्यांच्या समर्थकांना या जोडीकडनं असेल कारण 55 धावा चेस करायचे आहेत. समोर कोळेगाव सारखा एक बलाढ्य ताकदवर संघ. बबलू पाटील हा चेंडू स्लोअर वन होता, ऑफ स्टंपवर पिचिंग केला गेला त्या ठिकाणी. इथे मात्र बघा फार मोठी चूक होते बॅकअपला, मात्र फार मोठी चूक होते. हलगर्जीपणा ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि या दरम्यान 2 धावा सहजतेने पूर्ण करतायत. तर कैलास फोरजी यांचा आपण सन्मान घेऊया. भानुदास पाटील यांना विनंती करण की कैलास फोरजी ज्यांचा स्पीड 4G पेक्षा जास्त आहे असे कैलास फोरजी या ठिकाणी आलेले आहेत. हा चेंडू लॉफ्ट केलाय लॉंग ऑन लॉंग अपच्या मधून, चेंडू जातोय 1 बाउन्स ओवर द लाईन, पंचांचा इशारा येतोय चौकार. थँक्यू डीजे. तर गुणसंख्या लेखक आमच्यासोबत जॉईन झाले आहेत चंद्रकांत उर्फ चांद. तर फार मोठी जबाबदारी दरवर्षी चांदकडे असते, अनेक भूमिकांमध्ये त्यांना आम्ही पाहत असतो. शॉर्ट अपलाईन चेंडू दाहूक करतायत त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेगवरनं वेगाने जात आहेत, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. स्वतः मात्र नक्कीच त्यांचं बॉडीवरचं नियंत्रण जरी हरवलं असलं तरी मात्र चेंडूला आत ढकलण्यात फेकण्यामध्ये त्यांना यश आलं आहे आणि दरम्यान 2 धावा पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती 9. गोलंदाज बबलू पहिल्या सामन्यात खूप चांगली गोलंदाजी, मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिली बबलूने पटकावली. आता मात्र तोच बबलू पुन्हा एकदा. हा चेंडू ऑन साईडला टप्पापडला, चेंडू आत आला, चेंडूची वाट पाहिली. बॉटम हँडचा सुरेख वापर करत चेंडूला पाठवला मिड विकेट झोनमध्ये आणि 2 धावा इथे पूर्ण करतायत. निल्सन मडवी अप्रतिम क्रिकेटर, फार कमी वयामध्ये निल्सनने आणि त्यानंतर करणने देखील आपल्या नावाचा ठसा उमटवला आगासन संघासाठी, आगासन गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी सातत्याने या दोघांनी खूप चांगले योगदान दिले. हा चेंडू ऑफस्टंपच्या खूप जास्त बाहेर आहे, पंचांचा वाईटचा इशारा येतो आहे. तर पंचांच्या भूमिकेत प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत अरविंद मात्रे आहेत जे वडवलीचे आहेत आणि त्याचबरोबर स्ट्रायकरांचे पंच आहेत सोमनाथ गायकर, असे 2 पंच वाकळांचे संघ आहेत. वाकळांचे अंपायर आहेत, माफ करा, लेफ्ट अंप राउंड द विकेट. हा चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक खूप मागे, चेंडूपर्यंत पोहोचता आला नाही आहे. सिंगल या दरम्यान मात्र पूर्ण करतायत. चेंडू हवेत होता मात्र सुदैवाने या ठिकाणी नो मॅच लँडमध्ये लँड होतोय. पहिले षटक या ठिकाणी संपले, धावसंख्या धावपलकावरती पाहायला मिळते ती 12 आणि गरज या ठिकाणी बघा करेक्शन करतोय आम्ही छान, तर लक्ष या ठिकाणी द्या. 13 धावा झालेले आहेत. तर होतं कधी कधी कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, पहिल्यांदा बसत आहेत आजच्या दिवसामध्ये. तर कैलास फोरजी यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान घेऊया, डान्सरचे यशस्वी संघनायक आणि येदुडणे संघाच्या संघनायकाने या लवकर नवबडा संघाच्या संघनायक या ठिकाणी आलेले आहेत. तर कैलास फोरजी कोण विसेल गतवर्षीचा स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक, ज्यांनी रायगड आणि कल्याण या गटातून खेळत असताना अप्रतिम कामगिरी तांसर संघाने केली. कैलास फोरजी, किशोर फोरजी, सुयोग असतील आणि या मैदानावरती नक्कीच गतवर्षीचे ते चॅम्पियन ठरले होते. तर बघूया या ठिकाणी नक्कीच उद्या मला वाटतं ते खेळणार आहेत का नाही, यंदा नक्कीच शेड्यूल त्यांचं थोडं बिझी आहे आणि नक्कीच त्यांच्या संघातील अनेक खेळाडू हे जॉबला आहेत त्यामुळे बऱ्याचशा स्पर्धांना त्यांना नक्कीच सहभागी होता येत नाही. तर गोलंदाज सुनील लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. हा चेंडू सुरेख होता, कॉट बियाँडचा अपील, पंचांनी अपील स्वीकारले, निल्सनला परतावा लागेल, मोठा धक्का लागतोय ओम साई आगासन संघाला. यावेळेस मात्र 13 या धावसंख्येवरती. हेदुटणे संघाचे संघनायक या ठिकाणी या लवकरात लवकर टॉससाठी प्लीज.
पहिला धक्का लागला मैदानावरती सुनील भोईर अप्रतिम क्रिकेटर एक अष्टपैलू खेळाडू माजी सरपंच कोळेगावचे राजकीय क्षेत्रामध्ये देखील आपल्या नावाचा ठसा त्याने उमटवला आणि क्रिकेटच्या मैदानावरती देखील दर्जेदार क्रिकेट जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली जेव्हा जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा तेव्हा कोळेगाव संघासाठी त्यांनी अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे आणि इथे मात्र आल्या आल्याच जी भागीदारी असं वाटत होती ही भागीदारी फुलेल बहरेल आणि भागीदारी आता मात्र मोठी होते की काय मात्र इथे आल्यानंतर सुनील भोईर यांनी मोठा धक्का दिला निल्सनला क्वाड बिहाइंड बाद केलं आणि एसट्यांच्या मागे त्या ठिकाणी झेल टिपला यष्टीरक्षक हेमंत आहेत असं मंगेश येत आहेत हा चेंडू यावेळेस मात्र बॅटची कडा घेऊन मागे येतोय लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये पंचांचा इशारा येतोय चार धावा बॅटची कडा लागली होती मात्र एसटी रक्षकच्या डोक्यावरनं हेमंत म्हात्रे या ठिकाणी एसट्यांच्या मागे आपण पाहतोय पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट वडोली गाव एंडकडनं सज्ज होत आहेत मंगेशसाठी हा चेंडू यावेळेस मात्र आवेत आहे झेलची शक्यता आहे त्या ठिकाणी अप्रतिम झेल टिपला सौरभने आणि इथे मात्र परतावं लागेल मंगेशला हा लागणारा दुसरा धक्का 17 या धावसंख्येवरती खतरा मंगेश बाद होता है चौकार आला होता त्यांच्या बॅटमधून मात्र बॅटची कडा लागून तो चौकार आला त्यानंतर मात्र इथे शॉर्ट कव्हरला झेल देण्यास भाग पडलं सुनील भोईर यांनी आणि हा लागणारा दुसरा धक्का मैदानावरती आगासन संघाला खूप चांगली गोलंदाजी मैदानावरती होते अशाच प्रकारची गोलंदाजी झाली तर या सामन्यावर पकड मजबूत नक्कीच करतील मात्र आगासन संघ यंदाच्या हंगामात खूप चांगली कामगिरी करतोय जबरदस्त परफॉर्मन्स देतोय आणि नक्कीच हा संघ या सामन्यामध्ये देखील फाईट करण्याचा प्रयत्न करेल ज्यांच्या नावावरती दोन चॅम्पियन पद आहे आणि त्यानंतर एक थर्ड प्राईज ज्यांच्या नावावरती आहे यंदाच्या हंगामात नारिवली आणि त्यानंतर बेतवडा येथे चॅम्पियनपद पटकावलं आणि रोहिंजनच्या मैदानावरती तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक SEC ट्रॉफीमध्ये पटकावणारा हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला कोळेगाव संघ अप्रतिम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ चेंडू शफलून खेळण्याचा प्रयत्न आउटसाइड द लेग स्टंप आहे पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय अतिशय चांगला निर्णय फेअर डिसिजन पाहायला मिळतोय धावसंख्या धावफलकावरती 18 नवीन फलंदाज मोनिश गेले कित्येक वर्ष मोनिशने या संघासाठी खूप चांगलं योगदान दिलेलं मिडल ऑर्डरमध्ये तोच मोनिश नॉस्टा गेंडला हा चेंडू इन साइड आउटच्या माध्यमातून खेळत आहेत एक्स्ट्रा कवच्या दिशेने चेंडू जातोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पंडित आहेत आणि या दरम्यान दोन धावा मात्र पूर्ण करतायत सिंगल आले माफ करा या ठिकाणी थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन आमचं तर उदय पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभाशय आपण ही नाणेफेक करायचे हे दोन्ही संघाचे संघनायक आलेले आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहाल नवापाडा संघाचे संघनायक तर पहिल्या फेरीची ही दुसरी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल तिसरी लढत पाहायला मिळेल माफ करा हा चेंडू ड्राईव्ह करतायत एक्स्ट्रा कवच्या दिशेने जमिनी समांतर हा चेंडू जातोय चूक होते पंडित कडनं चुकीचं रूपांतर खेळपट्टीवरती दोन धावेत होत आहे आणि दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावपलकावरती 21 धावा गरज आहे 55 धावांची म्हणजे अजूनही 34 धावा या ठिकाणी विजयासाठी हव्यात 34 धावा लक्ष अजूनही लांब आहे मात्र लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ चेंडू पुन्हा एकदा त्या दिशेने पंडित आहे त्या ठिकाणी हो हो गुड कॅच फलंदाज बाद होत आहेत आणि इथे मात्र मोनिशला परतावं लागेल हवेने हवेतून खेळण्याचा हा निर्णय मात्र चुकला आणि इथे मात्र हा धोका पत्करलाय आणि फलंदाज मोनिश बाद झाले आणि हा तिसरा धक्का लागतोय धावसंख्या धावपलकावरती 21 जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये त्या ठिकाणी टॉस होतोय तर या ठिकाणी नक्कीच जागृती स्पोर्ट्स कडनं एक बॅट आहे त्या बॅटवर प्रत्येक संघनायकाची साईन घेतली जाते हेदुटी संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय निर्णय बघूया काय सांगताय फिल्डिंग 2 मिनिटं सांगताय
तर षटक क्रमांक या ठिकाणी दुसरं संपलंय. धावसंख्या धावपळकावरती 21 धावांची गती आहे 10.50 आणि इथून आता मात्र येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये नक्की 34 धावांची गरज आहे. आस्किंग रेट राखावं लागेल 11.33 प्रति षटकामागे. कारण 34 धावा करायच्या आहेत अजूनही येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये. हे दुटणे संघाचे संघनायक सांगतात की आम्ही निर्णय घेतोय क्षेत्ररक्षणाचा, तर सज्ज राहायचे नवापाडा संघाने. नवापाडा संघ हे दुटणे संघ हे दोन्ही संघ यंदाच्या हंगामात खूप चांगली कामगिरी करतायत आणि नक्कीच या दोन संघाच्या माध्यमातून तुम्हाला एक अप्रतिम लढत, एक दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळेल. तर गोलंदाजीसाठी येत आहेत गोलंदाज रवींद्र संते, तिसरा गोलंदाज डावखुरा. अशा प्रकारचे तीन गोलंदाज वसार संघात देखील तुम्ही डावखुरे गोलंदाज पाहायला मिळेल. तर डावखुऱ्या गोलंदाजांचा नक्कीच या ठिकाणी भरणा असलेला हा संघ पाहायला मिळतोय. हा चेंडू बाहेर निघाला होता, चेंडूची वाट पाहिली, चेंडूला गॅप मधून भिरकावून दिलाय. यावेळेस मात्र टिपिकल केजू मुंडेच्या बॅट मधून येणारा आगासन ब्रँडेड चौकार. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता, चेंडूला बाहेर काढतायत, मात्र लेंथ या ठिकाणी थोडीशी चुकीची, टप्पा पडताना चेंडू बाहेर निघाला, बॅकफुटवर गेले, जागा बनवली, डोळ्यासमोर एक भली मोठी गॅप होती, त्या गॅपमधून हा चेंडू पाठवला 4 धावांसाठी. केजू मुंडेकडे अफाट गुणवत्ता आहे, फटक्यांचं कोठार आहे, त्याचं तंत्र देखील अफलातून आहे. या फटक्यावरून नक्कीच तुम्हाला ते दिसलं असेल. हा चेंडू कॉट बियांडचा अपील, इथे मात्र काय घडतंय मैदानावरती, चौकार लगावल्यानंतर केजू परततोय, मोठा धक्का लागतोय. यावेळेस मात्र केजूच्या स्वरूपात ओम साई आगासन संघाला हे म्हणणे अप्रतिम जेल टिपलाय आणि सुनील उदेश त्यांच्या मागे आणि फलंदाज केजूच्या खेळीचा अंत होतोय मैदानावरती. धावसंख्या धावपळकावरती 25 ही असताना केजू बाद झालाय. केजू बाद झाल्यानंतर आता मात्र कोळेगाव संघ नक्कीच या सामन्यावर पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. काय झेल टिपल्या एष्ट्यांच्या मागे एष्टीरक्षक सुनील भोईर यांनी. एष्टीरक्षण करताना खूप क्लोज किपिंग करतायत आणि अशा प्रकारचा झेल पकडणं खूप डिफिकल्ट असतं, फार कठीण असतं. त्यासाठी चेंडूवरची नजर तुमची असणं फार गरजेचं आहे, त्यासाठी सराव करणं फार गरजेचं आहे. आणि इथे मात्र केजू बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज येतोय मैदानावरती विराज. स्ट्राईकला विराज येतोय, एक उगवता सितारा या संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू. असं मात्र रवींद्र संते हा चेंडू हवेतून खेळतायत लॉंग ऑफच्या दिशेने. हेमंत आहे त्या ठिकाणी, आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे आणि या कारणाने इथे मात्र 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्यात करण आणि विराजने. तर खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगला कमबॅक या ठिकाणी रवींद्र संते उर्फ गोट्या. सातत्याने दर्जेदार क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेटने त्याला नक्कीच भारतीय संघामध्ये स्थान मिळवून दिलं. अनेक जण प्रश्न विचारतात टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये काय आहे, तर रवींद्र संतेकडे बघून तुम्हाला कळेल की टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये काय मिळू शकता तुम्ही. हा चेंडू ऑनसाईडला खेळतायत, अलोंग द कार्पेट चेंडू मिडविकेट झोनमध्ये जातोय. क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत त्या ठिकाणी, प्रतीक आहेत प्रतीक संते. धावसंख्या धावपलकावरती 29 धावा. तर गरज अजून या ठिकाणी आपण पाहिलं तर नक्कीच 26 धावांची असेल आणि चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. आपण पाहिलं तर या षटकात 19 चेंडू झालेले आहेत, 4 म्हणजे 14 चेंडू शिल्लक आहेत आणि गरज आहे ती यावेळेस मात्र 26 धावांची. 14 चेंडू 26 समीकरण मैदानावरती विजयासाठी आगासन संघासमोर. हा चेंडू यावेळेस मात्र हवेत आहे, जेलची शक्यता नाकारता येणार नाही, शंकर चूक करणार नाही आणि इथे मात्र फलंदाज विराजला परतावा लागेल. हा लागणारा आणखीन एक धक्का मैदानावरती ओम साई आगासन संघाला. विराज बाद होतोय, कुठेतरी नक्कीच अनुभवाची कमी विराजकडनं पाहायला मिळाली.
कारण मैदानावरती करण दुसऱ्या बाजूला खूप चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, त्याला साथ देणे फार गरजेचं आहे. मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अगेन्स्ट द स्पिन, स्पिनच्या विरोधात खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. मैदानावरती जी व्यूह रचना आपण पाहतोय, सापळा रचला होता, तो जे डावपेच रचले होते त्या डावपेचात मात्र अडकले विराज आणि बाद झाले. पाचवा धक्का मैदानावरती वैभव येत आहे. हा चेंडू मिस टायमिंग झालाय, फाईन लेगच्या वरून चेंडू मागे लँड होतोय. क्षेत्ररक्षक थर्ड मॅनचा येऊन कव्हर करतोय आणि या दरम्यान मात्र दोन धावा पूर्ण केल्या गेल्यात आणि दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावपळकरती पुढे सरकते ती म्हणजे 31. तर 24 धावांची गरज येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये हे समीकरण आहेत. चेंडूपेक्षा धावा दुप्पट आहेत आणि गडी एकूण बाद झालेत मैदानावरती ते 5. बाद होणारा फलंदाज निल्सन मंगेश, त्यानंतर मोनीश बाद झाला, केजू बाद झाला आणि आता मात्र विराज देखील बाद झाला आहे. तर मैदानावरती नक्कीच स्थळाचे फलंदाज संघर्ष करतायत. मात्र आघाडीचा एक फलंदाज आपण पाहतोय करण, तो एका बाजूने किल्ला लढवतोय, त्याच्याकडे अफाट गुणवत्ता आहे, त्याच्याकडे प्रतिभा आहे आणि त्याच्याकडे क्षमता देखील या सामना जिंकून देण्याची. मात्र दुसऱ्या बाजूला कोळेगाव संघ नक्कीच रणनीती आखणार, कशा प्रकारे आणखीन गडी बाद करता येतील, कशा प्रकारे या ठिकाणी डॉट चेंडू फेकता येतील आणि 12 चेंडूमध्ये 24 धावा करण्यासाठी या मैदानावरती आस्किंग रेट राखावं लागेल 12.00 चा. तर डाव्या बाजूला लहान मुलं आहेत, प्रेक्षक आहेत, आपण प्लीज आत कोणी येऊ नका, पडद्याला कोणी स्पर्श करू नका, तुम्हाला आम्ही विनंती करतोय. स्पर्धा आपण पाहताय अतिशय सुंदर लाडकी स्पर्धा, वडवली गावची नक्कीच प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून संबोधली जाते. ती म्हणजे स्वर्गीय अमित पाटील स्मृती चषक 2018 हे पाचवं पर्व तुम्ही पाहतायत आणि मैदानावरती दुपारच्या रगरगत्या उन्हामध्ये ही लढत तुम्ही पाहता. आजच्या दिवसातील ही पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत पाहायला मिळते. ओम साई आगासन वर्सेस गावदेव कोळेगाव, एका बाजूला साईबाबाचा आशीर्वाद घेऊन आगासन संघ विजयाचं स्वप्न उराशी बागून मैदानावरती उतरला, तर दुसऱ्या बाजूला गावदेवाचा आशीर्वाद घेऊन कोळेगाव संघ मैदानावरती उतरला. मात्र विजयाचं स्वप्न फक्त एकाचं पूर्ण होणार, ते स्वप्न कोणाचं असेल, कोणाला इथे मात्र डसेल पराभवाचा डंक आणि कोण वाजवे या मैदानावरती विजयाचा शंख. 12 चेंडू 24 धावा, स्ट्राईकला वैभव, नॉन स्ट्राईकला फलंदाज करण, गोलंदाज येतोय यावेळेस मात्र बबलू पाटील. तर वैभवसाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये उदय पाटील यांच्याकडनं हे पारितोषिक असेल. तर 12 चेंडू 24 धावा मैदानावरती सामना सुरू आहे, कोळेगाव वर्सेस आगासन. हा चेंडू ऑन साइडला खेळतायत, समोर क्षेत्ररक्षक रवींद्र संत या चेंडूची वाट पाहत होते आणि इथे मात्र 6वा धक्का लागतो मैदानावरती. फलंदाज उदय बॅक टू द पॅव्हिलियन. वैभव बाद होतोय, एका मागून एक धक्के दिले जात आहेत, डावाला खिंडार पाडण्याचं काम चालू आहे. मात्र या खिंडार पडलेल्या जागेवरती बुरुज बनून कोण उभा राहणार, कोण ही बुडणारी नौका विजयाच्या किनाऱ्यावर लावणार. मात्र करण सारखा फलंदाज एका बाजूने खिंड लढवतोय, बाजू प्रभू सारखी तो खिंड लढवतोय, दुसऱ्या बाजूने 6 गडी मैदानावरती बाद झालेले आहेत. मात्र येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये अजूनही 24 धावांची गरज आहे. अस्तित्वाची लढाई, सन्मानाची लढाई, कौशल्याची लढाई या मैदानावरती पाहायला मिळते. हा चेंडू ड्राईव्ह करता, स्क्वेअर ड्राईव्ह, अप्रतिम स्ट्रोक, टायमिंग सुरेख होतो, चेंडू बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने वेगाने निघून जातोय, पंचांचा इशारा येतोय यावेळेस मात्र 4 धावांचा. करणच्या बॅट मधून स्क्वेअर ड्राईव्ह येतोय, अप्रतिम तंत्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं. करण मात्र या मैदानावरती सांगतोय, जोपर्यंत या मैदानावरती मी आहे तोपर्यंत आगासन संघाच्या अस्तित्वासाठी या मैदानावरती मी फाईट करेन. 20 धावांची गरज,
दहा चेंडू मध्ये हा चेंडू अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. डॉट चेंडू यशची रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय आणि प्रत्येक डॉट चेंडू इथे उत्साह वाढवेल कोळेगाव संघाचा, प्रत्येक डॉट चेंडू दबाव वाढवेल आगासन संघाच्या फलंदाजांवरती, प्रत्येक डॉट चेंडू विजयाचा मार्ग सुकर करेल या कोळेगाव संघाचा. 9 चेंडू 20 धावांची गरज. हा चेंडू यष्ट्या उद्ध्वस्त करतोय आणि या मैदानावरती करणने अशा ज्या पल्लवित केल्या होत्या, ज्या जिवंत ठेवल्या होत्या, तो करण बाद होतोय आणि 7वा धक्का लागतोय या आगासन संघाला. सातवा धक्का लागला मैदानावरती. आता मात्र फलंदाज नागराज या ठिकाणी येतोय. तर नागराजकडे देखील भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे, मात्र लोअर ऑर्डरमध्ये येत आहे. 8 चेंडूत 20 धावांची गरज. फुलटॉस चेंडू होता, बॅटची कडा घेऊन मागे जातोय. आणखीन एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. तर आता समीकरण आपण पाहतोय, 7 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज आहे आणि 20 धावा बघूया गडी किती एकंदरीत बाद झाल्या 7 आणि कोळेगाव संघाची गडी बाद झालेले 5, म्हणजे कंपल्सरी या 20 धावा कराव्या लागतील. यावेळेस चेंडू ड्राईव्ह करतायत, गॅप मध्ये आहे चेंडू, क्षेत्ररक्षक वेगाने पंडित आल्यात, दुसऱ्या बाजूने शंकर आलेत आणि त्या ठिकाणी मात्र चेंडूला आत ढकलण्यात यश आलं नाही आणि हा येतोय चौकार. चौकार आल्यानंतर आता मात्र आपण पाहतोय धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते ते आपल्याला यावेळेस 39, म्हणजे अजूनही 16 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 16 धावा, दुपारच्या रगरगत्या उन्हामध्ये नक्कीच हा सामना सुरू आहे. मात्र हा सामना कोण जिंकेल हे सांगणं फार कठीण आहे. हा सामना बॅलन्स आहे. या सामन्यामध्ये रंगत गंमत, या सामन्यामध्ये रहस्य दडले, मात्र या रहस्याचा उलगडा कधी होणार. शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज आहे. यंदाच्या हंगामात 6 चेंडूत 35 धावा करण्याचा विक्रम मयूर देवकरने केला होता, मात्र 6 चेंडूत 16 धावा का होणार नाही या मैदानावरती. मात्र यंदाच्या हंगामामध्ये आम्हाला आठवतं 4 चेंडूत 1 धाव देखील झाली नव्हती पेंधरला, पेंधरच्याच मैदानावरती. गतवर्षी 12 चेंडू 4 धावा झाल्या नव्हत्या रॉयल कलंबोली संघाला खारघरच्या मैदानावरती. तर क्रिकेट हा असा खेळ आहे, या खेळामध्ये कुठलंही परीक्षण फेल आहे. सरड्यासारखा रंग बदलणारा हा खेळ, कधी या बाजूला कधी त्या बाजूला झुकत असतो आणि क्रिकेटमध्ये आपण ज्या गोष्टींचा विचार करतो त्या गोष्टी घडत नाही आणि कधी कधी अशा गोष्टी घडून जातात ज्याचा स्वप्नात देखील आपण विचार करत नाही. मात्र या सामन्यामध्ये काय घडणार, कोळेगाव संघ हा सामना जिंकणार की आगासन संघ हे सांगणं अजूनही कठीण आहे. का 6 चेंडू 16 धावांची गरज आहे. मैदानावरती कस्तूप सारखा हार्ड हिटर पिंच हिटर फलंदाज आहे, दुसऱ्या बाजूला नागराज ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे, ज्याच्याकडे ताकद आहे, क्षमता आहे. मात्र इथे गोलंदाजीसाठी संघ नायकाने बोलवलंय गोलंदाज शंकरच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. चेंडू नाही, या सामन्याचं भवितव्य सोपवलंय. 6 चेंडू 16 धावा, कस्तूप आहे स्ट्राईकला. कस्तूपला आता मात्र आपल्या संघाच्या हितासाठी नक्कीच प्रयत्न करायला हव्यात. मात्र शंकर देखील या 16 धावा होण्यापासून रोखण्याचा अतोनात प्रयत्न करेल, जीवाचं रान करेल, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल. शंकर ओवर द विकेट. हा चेंडू अपील लेग बिफोर विकेटचा, पंच या ठिकाणी सांगतायत की हा चेंडू ऑफ स्टंप मिस करणारा होता आणि लेग बायच्या स्वरूपात ही एक धाव येते. स्ट्राईकला आलाय नागराज. आता मात्र 5 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज आहे. 15 धावा ह्या कंपल्सरी कराव्या लागतील आणि इथे मात्र 15 धावा करण्यासाठी मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे. हा चेंडू ऑफ स्टंपवर पिचिंग केला गेला. नागराज या ठिकाणी मात्र चेंडूला मिडल करू शकला नाही आणि आणखीन एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. प्रत्येक डॉट चेंडू
विजयाची आशा वाढवतोय या कोळेगाव संघाचा. प्रत्येक डॉट चेंडू इथे मात्र विजयाचं स्वप्न दाखवतोय. प्रत्येक डॉट चेंडू आगासन संघाला पराभवाच्या दरीमध्ये ढकलून देतोय. मात्र चार चेंडूत 15 धावांची अजूनही गरज आहे. पुन्हा एकदा शंकर ओवर द विकेट. हा चेंडू फुलटा तो ऑन साईडला ड्राईव्ह करतायत. रवींद्र संत येत आहेत. गुड फिल्डिंग. इथे मात्र बघा किती चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तितका चांगला थ्रो. सिंगल येते. स्ट्राईकला सरकतोय कस्तू. आणि आता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते 3 आणि गरज आहे 14 धावांची. दोन षटकार किमान पहिल्या दोन चेंडूवरती मारावे लागतील. 3 चौकार लगावले तर फक्त 12 धावा येतील. तर बघूया असं पुन्हा एकदा. हा चेंडू यावेळेस मात्र टायमिंग झाला नाही. चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटला जातोय. लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा. आणि दोन चेंडूमध्ये आता गरज आहे ती 13 धावांची. तर 13 धावा करायच्या आहेत कंपल्सरी, कारण गडी जास्त बाद झालेली आहेत आणि या स्पर्धेचा नियम आहे. स्कोर लेवल झाला तर आधी विकेट्स पाहिल्या जातील आणि त्यानंतर पाहिला जाईल तो टॉस. तर बघूया दोन चेंडू 13 धावा स्ट्राईकला नागराज. हा चेंडू ऑन साईडला खेळतायत आणि या चेंडूने या सामन्यातलं चित्र आता मात्र स्पष्ट होताना आपण पाहतोय. काय गोलंदाजी केली. अप्रतिम गोलंदाजी बबलूने दाखवली आणि त्यानंतर स्लॉग ओव्हरमध्ये काय अप्रतिम गोलंदाजी केली या शंकरने. आणि आता मात्र एका चेंडूत 12 धावा. एखादा चमत्कारच आता मात्र आगासन संघाला पराभवापासून वाचवेल. हा चेंडू डॉट पाहायला मिळतोय आणि हा सामना या ठिकाणी जिंकलेला आहे तो 11 धावांनी. यावेळेस मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय या कोळेगाव संघाने. तर हार्दिक अभिनंदन कोळेगाव संघ. हार्ड लक ओम साई आगासन संघ. आणि नक्कीच पुढच्या स्पर्धेसाठी तुम्हाला आम्ही शुभेच्छा देतोय आणि कोळेगाव संघाला मात्र द्वितीय फेरीसाठी शुभेच्छा देऊया. आणि त्याआधी आपण जाहीर करूया या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच बबलू, ज्याने